अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल हमने 62 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन 69 तक चला। 69 में जनरल याह्या खान ने दूसरा मार्शल लॉ लगाया और दूसरे मार्शल लॉ के बाद आइन को तोड़ दिया गया, क्योंकि आइन को आइन के अंदर कोई तहफ्फुज या जमानत नहीं दी गई थी। बिलाखिर याह्या खान ने एक सदारती हुक्मनामे के जरिए LFO लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर जारी किया। इसके मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए तरीक़ाकार और उसूल वज़े किए गए। इस सदारती हुक्मनामे के ज़रिए मगरबी पाकिस्तान का वन यूनिट तोड़कर चार सूबे बना दिए गए, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। और इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जो उसूल वज़े किए गए उनमें नंबर एक, एक मजबूत वफाकी निज़ाम होगा। लीगल फ्रेमवर्क में मजबूत वफाकी निज़ाम की बात की गई। नंबर दो, सरबराए ममलकत का मुसलमान होना लाजमी करार दिया कि सदर ममलकत जो हैं वो मुसलमान होंगे। LFO के ज़रिए वफाकी निज़ाम के साथ, मजबूत वफाकी निज़ाम के साथ सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई। तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज बुनियादी हुकूक अदा किए गए और अदलिया को LFO के जरिए अदलिया को आजाद व खुद मुख्तार कर दिया गया, ताकि किसी भी किस्म के इंतजामी या सियासी दबाव की वजह से अदलिया मुतासिर ना हो। LFO 1970 के मुताबिक पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात के बाद मशरिकी और मगरबी हिस्से में, मशरिकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान नजरियाती कश्मकश, सियासी कश्मकश, मफादात की कश्मकश और असलियत की वजह से एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए। मशरिकी हिस्से में शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात नाकाबिले कबूल थे,
कि उन्हें खुद मुख्तारी दे दी जाए, मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी जाए, जिसमें तमाम महकमे वो अपने पास रखने जा रहे थे। आम इंतखाबात के नतीजे में मशरकी हिस्से में अवामी लीग ने जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी उसने मुकम्मल नशस्तें जीती और मगरबी हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। शेख मुजीबुर रहमान को जब चंद नागुजीर हालात की वजह पर हुकूमत बनाने की दावत नहीं दी गई तो उस वक्त अवामी लीग मुक्ति बहाने ने एक तहरीक चलाई और भारत से मिलकर मशरकी हिस्से को हमसे अलहदा कर दिया। इस तरह से 16 दिसंबर 1971 में डाउनफॉल ऑफ ढाका हुआ और मशरकी हिस्सा हमारा बड़ा बाजू हमसे कटकर अलहदा हो गया। मशरकी हिस्से के कट जाने के बाद साहिब इक्तदार ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी की दावत दी और उन्होंने 1973 का आईन तदवीन किया जो एक मुकम्मल जमहूरी आईन है जिसे तमाम सियासी जमातों ने दस्तखत करके कबूल किया। इस आईन में मम्लकत के मजहब इस्लाम की इशाअत और नजरिया पाकिस्तान की अक्कासी और असास के वादे मकासिद के मुताबिक बनाने की कोशिश की गई। अब हम 1973 का आईन पढ़ेंगे जो एक मुकम्मल जमहूरी आईन है, पार्लियामानी आईन है। इस आईन में मुमलकत के नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया और मुमलकत का सरकारी मजहब इस्लाम रखा गया जो इस बात की गवाही करता है कि पाकिस्तान दीगर लादीनी ममालिक से मुख्तलिफ है और ये इस्लामी नजरियाती ममलकत है। यानी 10 अप्रैल 1973 को कौमी असेंबली ने पास किया और 12 अप्रैल 1973 को सदर मुल्क की से हतमी मंजूरी हासिल हो गई।
इस्तिगफार के लिए सेनेट की तश्कील लाजमी थी। सेनेट की तश्कील के बाद 14 अगस्त 1973 से यह आईन पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। इस आईन की चीदा चीदा खसूसियात मुदर्जा ज़ैल है जो हम अब आगे पढ़ेंगे। खसूसियात में सबसे पहले इब्तदाइया, दूसरी बात तहरीरी आईन, तीसरी बात तवील आईन, और पार्लियामानी तर्ज हुकूमत छह तरमीम का तरीकेकार उसके बाद इस्लामी नोयर 8वीं बात जो है वो हिम्मत अमली के उसूल दो अमानियों करना वफाकी निजाम सरकारी नजर और उसके बाद अदलिया की आजादी अकलियतों को तहफ्फुज़ इसके साथ साथ कादियानियों को अकलियत करार देना
नेक्स्ट संगीन गद्दारी, बराए रास इंतखाबा, अज़ाज़ात की मंसूखी, प्राइवेट फौज की ममानियत, प्राइवेट फौज की ममानियत, कानून की हाकिमियत, फलाई रियासत, कौमी व सरकारी जबान, दारुल हुकूमत, आठवीं तरमीम, रेफरेंडम और 25 शरीयत का साबिक दोनों कलदम दस्तीर की तरह 1973 के आईन में भी करारदादी मकासिद को जो पाकिस्तान की नजरिया की असास है, नजरिया पाकिस्तान की अकाश है, उसको इब्तदैया के तौर पर ही रखा गया। याद रहे कि इब्तदैया आइन का नाफिज़-ए-अमल हिस्सा नहीं होता। आठवीं तरमीम के बाद ये इब्तदाई आइन के मुताबिक ये इब्तदाइया है, जो आइन का नाफिज़-ए-अमल हिस्सा नहीं है, लेकिन आठवीं तरमीम के बाद ये आइन का नाफिज़-ए-अमल हिस्सा हो गया और आर्टिकल 2A में आ गया। आठवीं तरमीम में करारदादी मकासिद को आइन का नाफिज़-ए-अमल हिस्सा करार दे दिया गया और इसको नाफिज़ होते ही आखिर तरमीम के तहत ये आइन का हिस्सा बन गई। यानी आठवीं तरमीम के बाद, याद आए कि आठवीं तरमीम के बाद इब्तदैया को जो है वो आइन का नाफिज़-ए-अमल हिस्सा करार दे दिया गया। आठवीं तरमीम बहाल किया आइन
1985 में मंजूर हुई थी और यह आर्टिकल 2 ए के मुताबिक है। दूसरी बात इसमें टेरिटोरियल के बारे में है कि ये दोनों कदम दशती की तरह तहरीरी आइन है और तहरीरी आइन इसलिए होता है कि ये आइन के हिस्से लिख दिए जाए और बवक्त जरूरत उनसे रहनुमाई ली जाए। कोई अवाम पैदा होने की सूरत में, कोई तजाद पैदा होने की सूरत में तो तहरीरी आइन क्योंकि हर बात लिख दी जाती है ताकि उससे रहनुमाई हासिल हो। और फिर इसमें यह भी बयान था जो इलाके शामिल थे चारों सूबे फाटा और इस्लामाबाद, और ये जो है वो आर्टिकल नंबर 1 के मुताबिक है। तभी ना मैंने आपको बताया था, पहले हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि आमतौर पर जमहूरी रियासतों में दस्तूरी तारीख में मुख्तसर आइन को पसंद कर किया जाता है और मैंने चंद मुख्तसर और तवील और अनरिटन आइन के बारे में भी आपको बताया था। दुनिया की तारीख का सबसे मुख्तसर आइन अमेरिकी आइन है और अमेरिका का आइन जो है वो 7 दफात पर मुश्तमिल है और सबसे तवील आइन भारत का है जो 295 सेक्शन दिफात पर मुश्तमिल है। और दुनिया का वाहिद मुल्क बरतानिया है कि जिसका आइन अनरिटन है, गैर तहरीरी आइन है, रवायात हैं कस्टम एंड ट्रेडिशन पर मबनी है क्योंकि वहां लोग नस्ल दर नस्ल आबाद रहे और वहां का तारीखी तौर पर इंतका हुआ है। यह आइन है जबकि इससे पहले वाला आया 250 पर दफा पर मुश्तमिल था और 280 दफा होया ये तवील आइन का 50। इससे पहले जो है 250 था, उससे पहले 234 दफा पर मुश्तमिल आइन था। इस्तेमाल आइन हमने पढ़ा था कि दो तरह के आइन होते हैं, एक लचकदार, ठीक है, इस्तवार आइन एक वो आइन होता है जो सख्त आइन होता है और एक लचकदार आइन होता है जो नरम आइन होता है, आसानी से तरमीम की जा सकती है। लेकिन इसमें जो आइन के अंदर तरमीम का तरीक़ाकार वज़े कर दिया जाता है उसी के मुताबिक इसमें तरमीम होती है, वरना आम कवानीन की तरह, मुल्की कवानीन की तरह या आम कवानीन की तरह जिस तरह तरमीम होती है लचकदार कदे लचकदार आइन में, उस तरह से इसमें तरमीम नहीं होती बल्कि एक बयान करदा तरीक़ाकार के मुताबिक इस आइन में तब्दीली की जाती है। इसके बाद आता है पार्लियामानी तर्ज हुकूमत। प
पार्लियामानी तर्ज हुकूमत 1973 के ओरिजिनल आइन इब्तदाई आइन में पार्लियामानी तरीका तर्ज हुकूमत बयान कर दिया गया और तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास थे। वज़ीर आज़म इंतज़ामी सरबरा थे जबकि सदर ममलकत जो है वो महज एक नुमाइशी ओहदा था कि कोई भी कानूनी बिल कोई भी कानूनी मसौदा सदर ममलकत के दस्तखत के बग़ैर ही कानून बन जाता था। एक मुदत टाइम गुजरने के बाद जो दिया गया था आइन के अंदर वज़ीर आज़म की हैसियत एक चांद की जैसी थी और उसके वज़रा सितारों के जुर्मट की तरह उसके गिर्द घूमते थे। वज़रा उसी सूरत में अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते थे जब तक उन्हें वज़ीर आज़म की खुशनूदी हासिल थी। तमाम वज़रा अपने अपने महकमों की कारकर्दगी के बारे में वज़ीर आज़म के सामने काबीना के सामने असेंबली में ऐवान में जवाब दे थे लेकिन आठवीं तरमीम के बाद आइन में वज़ीर आज़म और सदर के इख्तियारात के दरमियान तवाज़न पैदा कर दिया गया और अब यह तरीक़ाकार बयान किया गया कि तमाम तर इख्तियारात सदर ममलकत को मुंतकिल हो गए। कोई भी कानूनी बिल सदर ममलकत की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता पास नहीं हो सकता। सदर ममलकत अगर चाहें तो बिल को इतराज़ात लगाकर उसी ऐवान को भेजें जिसने उसे पेश किया था कौमी असेंबली से सेनेट और सेनेट से सदर ममलकत के पास बिल जाते कानूनी मसवदे मंजूरी के लिए जाते और अगर सेनेट से पेश होता तो कौमी असेंबली से होता हुआ सदर ममलकत की मंजूरी के लिए जाता। सदर ममलकत चाहते तो वापस उस सवान को भेज दें या इतराज़ात लगा दें या यकसर मुस्तरद कर दें तो सदर ममलकत के पास इस पार्लियामानी निज़ाम के तहत मुकम्मल इख्तियारात हासिल हो गए। यानी आठवीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म के साथ साथ इख्तियारात सदर ममलकत को भी मुंतकिल हो गए और कोई भी कानूनी बिल कोई भी मसौदा सदर की मंजूरी के बगैर मंजूर नहीं किया जा सकता और सदर ममलकत अगर चाहें तो वज़ीर आज़म को दोबारा एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो असेंबली को बर्खास्त कर सकते थे दोबारा इंतखाबात के लिए कह सकते थे। तो तमाम कुल इख्तियारात का मेवर सदर ममलकत के गिर्द घूमने लगा। इसके साथ साथ आठवीं तरमीम के मुताबिक तरमीम के तरीक़ेकार में भी तब्दीली की गई और इस तब्दीली के तहत दोनों ऐवानों में से किसी से भी बिल पेश किया जाता और वो दो तिहाई अक्सरियत की मंजूरी के बाद सदर ममलकत की मंजूरी के लिए हतमी मंजूरी के लिए जाता।
और पहली तरह नहीं कि सदर ममलकत ना भी चाहें तो तीन दिन बाद वो खुद ब खुद मंजूर तसव्वुर हो जाए, बल्कि सदर ममलकत की मंजूरी दस्तखत इस पर लाजम करार दे दिए गए, उनके बगैर मंजूर नहीं हो सकता था। नेक्स्ट, इस्लामी नौयत। '73 के आइन में ममलकत का सरकारी मजहब इस्लाम करार पाया, पहली बार इस्लाम करार पाया, और सदर ममलकत के साथ साथ वज़ीर आज़म का भी मुसलमान होना लाजमी करार पाया। इब्तदाई आइन के मुताबिक करारदाद मकासद तो इब्तदाइया के तौर पर थी, लेकिन इस आइन में 73 के आइन में 5 इस्लामी दफात रखी गई, लेकिन बहाली आइन मजरिया 1985 के बाद करारदाद मकासिद आइन का मुकम्मल नाफिज़ुल अमल हिस्सा बन गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी रियासत बन गया। अल्लाह के कानून की हाकमियत, खातमुल नबीन और अरबी और हदीस की तालीम को फ़रोग, इस्लामी निज़ाम के निफाज, ममलकत के सरकारी मज़हब, सब चीज़ों को यहाँ तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। और इसके अंदर मुसलमान की तारीफ भी बयान कर दी गई। उसके बाद आठवां पॉइंट आता है हिकमत अमली के उसूल। अच्छा सर, हिकमत अमली के उसूल आइंदा के लिए लाया अमल है रियासत का, उस आइन का, उसकी तर्ज हुकूमत का, कि जो है वो किस तरह से ये आगे जो है आइंदा शहरियों को इस्लामी तर्ज पर या किस तरह ज़िंदगी गुजारने के मौके दिए जाएंगे। इसमें रियासत का जब मज़हब सरकारी करार दिया गया, अरबी तालीम लाजमी करार पाई और इस्लामी तालीमात के मुताबिक शहरियों को अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार दे दिया गया, ताकि वो आइंदा कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो इस्लामी तालीमात से मुतसादिम हो या इस्लाम के खिलाफ हो, इस तरह के किसी कानून की मंजूरी नहीं दी जाएगी। और आइंदा तमाम कानून साजी इस्लामी नजरिया हयात के मुताबिक की जाएगी, और इसकी हिकमत अमली के उसूल वाज़े तौर पर बयान कर दिए गए। सूबाई खुद मुख्तारी होगी, इस्लामी निज़ाम का नफाज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दो ऐवानी मुकन्नना। इससे पहले हमारे यहाँ यह कवान था, 56 में भी यह कवान था, 62 में भी यह कवान था, और 73 में दो ऐवान मुतारफ कराए गए, जिस तरह के तमाम जमहूरी ममालिक में दो ऐवान होते हैं। एक वो जो ब्राए रास्त एक वोट एक फर्द के ज़रिए मुंतखब होकर लोग असम्बलियों में जाते हैं, और दूसरे वो जो
सूबाई वफाकी इकाइयों से मुंतखब होकर आते हैं, पहले अवान को जो बराए रास्त मुंतखब होते हैं उसे कौमी असम्बली कहते हैं, अवान ज़ेरी कहते हैं, और जो वफाकी इकाइयों से मुंतखब होकर आते हैं उन्हें अवान बाला कहते हैं, और अवान बाला मराद सेनेट है। तो दो अवान होते हैं, सेनेट इसलिए होता है कि कोई बड़ी इकाई छोटी इकाई के हुकूक को गसब ना कर सके। आठवीं तरमीम के बाद इन दोनों ऐवानों को बराबरी का दर्जा दे दिया गया। तमाम बिल तमाम मसवदे दोनों ऐवानों में से किसी में भी पेश किए जा सकते हैं। अगर कौमी असेंबली में पेश हूं तो सेनेट से होते हुए सदर ममलकत के पास जाएंगे, और अगर सेनेट से पेश किए हूं तो कौमी असेंबली से होते हुए सदर ममलकत की हतमी मंजूरी के लिए जाएंगे। दोनों अवाम नुमाइंदगान को बराबरी का दर्जा दे दिया गया। अलबत्ता मासवाए मालियाती बिल के, मालियाती बिल सिर्फ कौमी असम्बली में ही पेश होगा और उसके बाद सदर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो गोया पहले तो कुली इख्तराज सारे इख्तराज जो है वो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना और कौमी असम्बली को हासिल थे, और फिर वो सेनेट से होते हुए सदर ममलकत की मंजूरी के लिए जाते, लेकिन अगर वो मंजूर नहीं भी करते फिर भी मंजूर मुतसव्विर होता। लेकिन आठवीं तरमीम के बाद दोनों ऐवान बराबर हो गए, दोनों ऐवान बिल पेश कर सकते हैं, सदर ममलकत उस पर इतराज़ात लगा सकते हैं, उसे मुस्तरद कर सकते हैं, उसे मंजूर कर सकते हैं, और दोनों ऐवानों का जॉइंट सेशन भी बुला सकते हैं। तो ये दो ऐवानी मुकन्ना मा सवाए मालियाती बिल के जो सुवाए कौमी असम्बली नेशनल असम्बली में पेश होगा। तो इस तरह अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वफाकी निज़ाम आर्टिकल 7 और आर्टिकल 90 में इसकी वजाहत और सराहत कर दी गई है कि एक मजबूत वफाकी निज़ाम होगा। चंद महकमे वफाक के पास होंगे और बाकी सूबों को दे दिए गए। वफाक के साथ साथ सूबाई असम्बलियाँ भी कानून साजी कर सकती हैं, और अगर दोनों असम्बलियाँ बाय एक वक्त एक ही वक्त में कानून साजी करती हैं, और अगर उस उनमें उस कानून साजी में कोई तसादम नहीं है, तसाद नहीं है, एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है तो दुरुस्त है, और अगर तसादम है एक ही उमूर पर दोनों ने कानून साजी की और उनमें तसादम है तो उस सूरत में वफाक को बालादस्ती हासिल होगी और सूबाई कानून साजी कलदम करार पाएगी, क्योंकि कानून साजी की दो अलाइदा अलाइदा फरिश्तों के साथ साथ तीसरी फरिश्त मुतसल्ला जॉइंट फरिश्त जो है वो जारी की गई है, यानी वो उमूर जिन पर वफाक कानून साजी कर सकता है और वो उमूर जिन पर सूबाई असम्बलियाँ कानून साजी कर सकती हैं, और चंद उमूर जो जॉइंट से मुतसल्ला थे वो दोनों ऐवान कानून साजी कर सकते हैं बशर्त के उनमें तसादम ना हो और एक दूसरे के आमने सामने ना हो। तो उस सूरत में वफाक को
बरतरी हासिल होगी। तो गोया इस तरह से एक मजबूत वफाकी निज़ाम मुतारिफ कराया गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट सरकारी मज़हब। सरकारी मज़हब आइन के आर्टिकल 2 में बयान है, वजाहत है, सिराहत है कि ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा, यानी कि हमें पाकिस्तान के बाद 49 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम किया गया था और उसके बाद इस्लामी निज़ाम के नफाज की भी बात थी, लेकिन आइनी बोरान नज़रियाती कश्मकश के बाद 56 का जो आइन बना तो उसमें भी सरकारी मज़हब की बात नहीं की गई। सदर ममलकत और वज़ीरे आज़म के दोनों के मुसलमान होने की बात नहीं की गई। 62 के आइन में भी ऐसा ना हो सका। बिलाखिर 73 के आइन में सरकारी मज़हब ममलकत का इस्लाम करार पाया और पाकिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी रियासत कहलाई। तो सरकारी मज़हब पहली बार बनाया गया, नाफज किया गया 8वीं तरमीम के बाद। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत और इस्लामी कवानीन का नफाज कर दिया गया। 8वीं तरमीम से पहले भी 5 इस्लामी दफात शामिल थी। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में सरकारी मज़हब की बात की गई थी कि रियासत का सरकारी मज़हब होगा। आम तौर पर रियासतों के इर्तिका के बाद दो बातें की जाती हैं, एक वो कि उस ममलकत जिस नज़रिए के तहत मारज़ वजूद में आई, दूसरी ये कि उसके मारज़ वजूद के आने के बाद उस नज़रिए को मुकदम रखा जाता है। लेकिन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मुद्दत बाद 47 से 73 तक ये बुरहान रहा, उसके बाद ममलकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार पाया। इसके बाद नेक्स्ट आता है अदलिया की आज़ादी। आर्टिकल 175 और 203 में अदलिया के बारे में वजाहत कर दी गई है, उसके इख्तियारात, उसका तरीका हाय, अदलिया का निज़ाम। पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार करार दे दिया गया और इस आर्टिकल 175 और 203 में मुकम्मल तौर पर अदलिया को आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात की गई और बयान किया गया कि पाकिस्तान की अदलिया हर किस्म के दबाव से आज़ाद होगी, अदलिया आज़ाद होगी, ख़ुद मुख्तार होगी और जो है अदलिया जो है उसको किसी भी किस्म के इंतज़ामी दबाव नहीं डाला जा सकता, ना वो इंतज़ामी दबाव काबिल कबूल होगा। 8वीं तरमीम के नफाज के बाद ममलकत में अदलिया जो है वो ख़ुद मुख्तार हो, मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हो गई और फिर इसके साथ साथ इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक इस्लामी कवानीन के तहत इस्लामी शरीयत के तहत शरीयत कोर्ट का भी क़याम अमल में लाया गया और काजी हजरात काजी साहिबान का भी करार अमल में आया। इस तरह से पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और बग़ैर किसी दबाव के फैसले करने से आज़ाद हो गई और अदलिया को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कर दिया गया।
इसके बाद नेक्स्ट जो आता है अकलियतों को तहफ़ुज़। पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है और इस्लामी फलाही रियासत में जो गैर मुस्लिम होंगे, अकलियत होंगे, वो आर्टिकल 36 में बयान है कि उनको जान और माल की हिफाजत की जाएगी और अकलियत की जायदाद इमलाक को तहफ़ुज़ दिया जाएगा। यानी तमाम वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं या मुसलमान की तारीफ में नहीं आते वो अकलियत करार पाए, और वो अकलियत हैं जो अल्लाह की वदानियत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल नबीन तस्लीम नहीं करते, वो तमाम लोग अकलियत और गैर मुस्लिम हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकलियत ज़िम्मी को कहते हैं, गैर मुस्लिम को कहते हैं, और अगर उनकी दो किस्में बयान की गई हैं, एक वो जो इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ मुसलमानों की हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करें, जंग लड़ें और उन्हें शिकस्त हो जाए और फिर उसके बाद वो मफ्तू की हैसियत से उस ममलकत में रहें, और दूसरी किस्म वो होती है, वो अकलियत होते हैं जो इस्लामी रियासत के इक्तदार को, उसके कवानीन को, उसके आइन को रज़ाकाराना तौर पर तस्लीम करे और उस ममलकत के अंदर अकलियत की हैसियत से, ज़िम्मी की हैसियत से वो रहें। तो वो एक अकलियत जो है वो कहलाते हैं जो ज़िम्मी की हैसियत से उस ममलकत में रहते हैं और उनको जान और माल का की हिफाजत की जाती है उनकी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पाकिस्तान के अंदर अकलियत जो है उसकी जायदाद और इमलाक हैं और फिर वो जो है किसी गैर दूसरे ममलक में वो चला गया तजारत की घर से, कारोबार की घर से, तो पीछे उसकी इमलाक और जायदाद की हिफाजत करना हुकूमत का फ़र्ज है, फरीज़ा है, वो उसी तरह उसके जो जायदाद और इमलाक की हिफाजत करेगी जिस तरह के वो मुसलमानों की जायदाद और इमलाक की हिफाजत करती है। तो गोया अकलियत जो है उनकी इकसाम इस तरह से बयान कर दी गई हैं, लेकिन वो पाबंद है इस्लामी कानून, इस्लामी ज़ाब्ता हयात के मुताबिक। अकलियतों को ये इख्तियार दिया गया, उन्हें मजहबी आज़ादी दी गई, उन्हें कारोबार का हक दिया गया, लेकिन कारोबार सिर्फ वही करेंगे जो आइन के अंदर कानून के ऐन मुताबिक होगा। इसके साथ साथ वो अपनी इबादत गाहों में, उनको इबादत गाहें भी रियासत में, इस्लामी रियासत में या पाकिस्तान में जो है बनाने की इजाज़त होगी, हुकूमत की मंजूरी से बनाएंगे, लेकिन वो अपने मज़हब की तबलीग, इशात और तमाम जो मजहबी रसूमात हैं उनकी, अकीदे की रसूमात हैं उनकी, वो अपनी इबादत गाहों के अंदर ही करेंगे। वो अपने नज़रियात की, अपने अफकार की सरेआम जो है वो इशात नहीं कर सकते, पब्लिसिटी नहीं कर सकते, बल्कि जो एक ज़ाब्ता दिया गया है उसी ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी इबादत गाहों के अंदर जो है वो अपने नज़रियात की प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो है इस तरह की कोई दूसरी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होंगे जो ममलकत के आइन के मुनाफी हो और उस रियासत के कवानीन के खिलाफ हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। अब इसके ये जो, क्योंकि इसमें हमने अभी 13 पॉइंट पढ़े हैं,
73 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी कंटिन्यू है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में इसको मुकम्मल करेंगे और फिर उसका मुआसिल जो होगा वो हम उस पर तबसरा करेंगे, बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है 13 पॉइंट अकलियतों के तहफ्फुज़ के बाद इसको जो है हम जो है वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।